हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारी अगली वीडियो में। मेरी मूंछें बार बार नीचे आ जाती हैं, बड़ी हो रही है, दाढ़ी भी कटवानी पड़ेगी। तो एनीवे, तो आज अपनी अनबॉक्सिंग है, वो अनबॉक्सिंग है लिवाइस के स्नीकर्स की। तो मुझे बहुत टाइम से एक बहुत प्यारे से सेक्सी से स्नीकर्स चाहिए थे। तो इससे पहले मेरे पास कुछ स्पार्क्स के थे बेसिक से, उसके डिकैथलॉन से एक लिए, तो अभी तक वो मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। जब मेरे स्पार्क्स के थे मेरे पास 4-5 साल पहले, मैं एक शूज़ अगर लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा चलाता हूँ उसको, जल्दी जल्दी चेंज नहीं करता, अच्छे से यूज़ करके चेंज करता, तो अच्छा खासा उसको पेला, तो वो ख़त्म हो गया। तो ये जो डिकैथलॉन मैंने ले ली ये उतने ग्रेट नहीं थे, तो फाइनली ये लिवाइस के लिए। और ये उसका मैं डायरेक्ट वो नहीं बनाना चाहता था कि लिवाइस का मैंने पहली बार शूज़ लिया, जीन्स वगैरह तो इसकी अच्छी होती है, बस शूज़ पहली बार लिया। तो एक बार यूज़ करेंगे कुछ टाइम फिर दिखाएंगे। बॉक्स का कंटेंट देखो पहले, तो इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चर, ठीक है, मैन्युफैक्चर हुआ है ये चाइना में, तो ठीक है, इस पे हम कोई अपनी टिप्पणी नहीं करेंगे। इसकी एमआरपी है 2800 2799 की। लिवाइस का है ये, और इस तरफ अगर हम देख लें तो ये साइज़ वगैरह लिखा है UK 10, 10 साइज़ है अपना, ओरिजिनल साइज स्टाइल रिस्पॉन्सिबली मेड, वेरी गुड। और कुछ नहीं है दोनों साइड पर, बस अब आपको मिलते हैं गोप्रो पे। और अभी का जो हमारा सेटअप है, इसकी हाइट इंक्रीज़ करने के लिए हमने जो हमारी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग है वो ऊपर रख दिया है, उसके ऊपर ही रख दिया। अब वाइस वर्सा कर लेंगे जब इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो हाँ भाई लोग, अब ये देखो थोड़े से आपको गंदे लगेंगे, मैं 3-4 दिन से ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ इसको। ये है, थोड़ा सा सेट कर लूँ बाहर रखने के लिए, टेबल पर डायरेक्ट नहीं रख सकते इसको। बॉक्स पे तो पहले देख लो, बॉक्स पे और कुछ नहीं है, पाया नहीं सर ऐसी का। ये है यार अपना शूज़, और इसमें जो सबसे बेस्ट चीज़ है, इसकी प्रॉपर स्नीकर है ये, स्नीकर या प्रॉपर कैनवास शूज़ होते हैं ये, तो ये मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और इसके बीच के मुझे कोई पसंद नहीं, इसके वजह से सीधा ट्रैकिंग ट्रैकिंग वाले थोड़े वो हाई एंकल जो नेक्स्ट वुडलैंड वाले लिए। तो ऐसे दो ब्रांड्स बेस्ट हैं इसके लिए लिवाइस के, ये सेक्सी से जूते स्नीकर स्टाइल कैनवास, और वुडलैंड के अपने तो बड़े वाले आते हैं सेक्सी वाले बढ़िया से। इसमें देखो तो लिवाइस की पीछे ब्रांडिंग है, थोड़ा लेदर टच दिया हुआ है इसमें, एक यहाँ लिवाइस की ब्रांडिंग बहुत किया है इन्होंने। ये एकदम प्लेन ऑलिव कलर है ये, और ये आगे छोटा वाइट, नॉर्मली जो लोकल अगर आप लोगे तो उसमें बड़ा वाइट होता है, जो ओरिजिनल होता है उसमें आपको ये एक चीज़ होगी जो इसमें छोटा होगा ये। और एक ही लिवाइस की ब्रांडिंग इधर है, और पहनने में लिटरली बहुत कंफर्टेबल है, सिर्फ लुक्स नहीं है इसकी, पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, और ज़्यादा हैवी नहीं है, थोड़ा सा हैवी है, बट आई गेस कैनवास जितने भी हैं इतने हैवी होते हैं। थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं मेट्रो में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ आजकल, तो ये थोड़ा सा गंदा हो गया यहाँ से, बट बाइक पे मैं बिल्कुल नहीं पहनने वाला, जितने भी जूते लिए बाइक पे थोड़े एक दो बार भी पहने तो पिल जाते हैं। इसमें ये है, ग्रिप भी अच्छी है, ओवरऑल लुक एंड फील बहुत बढ़िया है इनका, मुझे तो कैनवास मतलब यही पसंद है, क्या ही बताऊँ उसके लिए। अगर लिवाइस का आप देख रहे हैं जितने भी कैनवास है मार्केट में बजट के हिसाब से सबसे बेस्ट है, तो बिग बिलियन डे सेल में फ्लिपकार्ट से मुझे ऑलमोस्ट 1100 कुछ का पड़ा है ये 10 नंबर साइज, पर्टिकुलरली ऑलिव कलर, इतने में है तो भाई सोचो मत, बट अगर 1400-1500 की रेंज में भी है तो भी ले लो आप, उनके बहुत अच्छा शूज़ है ये, जिसको भी शूज़ पसंद है और थोड़े बजट सेगमेंट में देखते हैं तो उसके लिए बेस्ट है ये, रेगुलर वियर के लिए जिसमें ज़्यादा गंदे होने का सीन ना हो। मतलब अगर आप बाइक पे यूज़ करने वाले तो आई गेस इतना पॉइंट नहीं, क्योंकि वाइट सारा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, तो बेकार लगेंगे ये लेसेस भी, क्योंकि वाइट है, तब आप ब्लैक या कोई और कलर कंसिडर कर सकते हो, बट अगर ज़्यादा गंदे होने का सीन नहीं है और केयर कर सकते हो थोड़ी, तो ये ज़रूर लो, बहुत मशहूर है। तो बस ठीक है यार, इस वीडियो में कुछ और है नहीं, मैंने अभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया, थोड़ा सा यूज़ किया, इसमें एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। लेसेस थोड़े से ज़्यादा लंबे हैं और दोस्तों पता नहीं मिलता, वाइट लाइनिंग इसके साथ बहुत मैच कर रही है, और जो प्रीमियम चीज़ इस पर लगती है ये देखो, इस सिल्वर की थी, वरना ये कुछ और होता है, होता ही नहीं स्पार्क्स में, जैसे ऐसा नहीं था, ये लिवाइस ब्रांड अच्छा है, तो ये सिल्वर बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये चीज़ होगी, ये तो सब में होती है कॉमन, ये जो लाइन है और पीछे जो ऐसे लिवाइस देखो हल्का सा उसमें लेदर टेक्सचर में ये है, बाकी सब एकदम सॉर्टेड सा, अंदर भी थोड़ा सा स्पॉन्जी स्पॉन्जी है, बहुत ज़्यादा नहीं, बड़े शूज़ के हिसाब से बहुत सफिशेंट है। तो बस ठीक है भाई लोग, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो की है अपनी वुडलैंड के शूज़ की, दिखा देंगे इसे नहीं, अगली में दिखाते हैं, बाय बाय।